हेलो गाइस, वेलकम टू सर्विस प्लानेट। ये कॉम्पैक का लैपटॉप है, कॉम्पैक 15S। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। एडाप्टर कनेक्ट करने से 0.14, ओके। पावर बटन प्रेस करने से ऑन भी हो रहा है। प्रॉब्लम है यहाँ पे वाइट स्क्रीन। ये एक्चुअली वाइट स्क्रीन नहीं है, नो डेटा स्क्रीन है। तो एक बार स्क्रीन बदल के पहले देख लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने स्क्रीन यहाँ पे लगा लिया है, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन में कोई डेटा नहीं है, तो मुझे ये मदरबोर्ड की तरफ ही जाना पड़ेगा, शायद उसमें प्रॉब्लम निकल जाए। और उससे भी पहले एक बार ये जो LVDS केबल है, इसको एक बार चेंज करके देख लेंगे। तो मैंने मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया, मैं टॉप पैनल को खोल लिया। इसका पार्ट नंबर है ZS050LA-A992P। LA-A992P डेट्स मीन ये HP15R का सेम बोर्ड है। तो मुझे अभी फिलहाल LVDS जो केबल है, एक केबल को टेस्ट करना है। तो मैं एक HP का 15R का केबल ले आता हूँ। तो मुझे एक नया केबल मिल गया, मेरा स्टॉक में ही था। तो एक बार ऑन करके इसका डिस्प्ले देख लेता हूँ। तो ये स्ट्रेट और सेफ LVDS केबल का प्रॉब्लम है, जो कि चेंज करने से मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।